हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप सबके बीच में एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। वैसे मैं आज काफी टाइम बाद आ रही हूँ क्योंकि बीच में हमारे एग्जाम भी चल रहे थे। कपड़े पड़ गई थी बहुत ज्यादा, ठंड हो गई थी और ये ब्लेजर पहन के आई है। वो ठंडी हो ही रही है यार, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस चक्कर से। अब लेकिन मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ ब्लॉग पे। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह मॉर्निंग से। अभी बज रहे हैं 10 और मैं हूँ फ़िलहाल कॉलेज पे। और तो पहले आपको अपनी सह पार्टियों से मिलाती हूँ। मैं देन आज हमारे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, मतलब प्रोग्राम क्या, हम लोगों का सेमिनार चल रहा है और आज हम कॉलेज से जाने वाले हैं सेमिनार के लिए लाल डाट पे। तो फिर आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे क्या क्या चलेगा वहाँ, कैसा रहेगा। तो फिलहाल क्या, अभी फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज, अभी हम आरती मैम से पूछते हैं कि आप कितनी एक्साइटेड हो सेमिनार में जाने के लिए। सेमिनार में जाने के लिए एक्साइटेड तो हूँ, पर उनको लेके भी जाएंगे अंदर तक में नहीं लाना चाहिए। वो इस तरह देखो, सर मुंह छुपा के जा रहे हैं। तो गाइज, हम लोगों की लाइन लग चुकी है, हम लाइन से जाने लग गए अभी अपने सेमिनार के लिए। तो गाइज, अभी मतलब हमें पूरी स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, जैसे स्कूल टाइम पे होता था ना कि मतलब ऐसे लाइन बना के हम जाते थे। तो अभी बिल्कुल वैसी फील आ रहा है बस में बैठने के लिए। तो अभी हम भी सब ऐसे ही जा रहे हैं। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो गाइज, फाइनली हम बैठ चुके हैं बस में। ये जाते पीछे भी नहीं जाते यार, कहाँ। मैं विंडो सीट पे बैठूंगी, विंडो सीट। यार इन लोगों ने मुझे बीच में घुसका दिया। ऐसे हम बस में स्कूल टाइम पे बैठे थे, आज और सामने हमारे सर भी खड़े हो गए हैं। तो गाइस, अभी हमारी बस जल्दी स्टार्ट हो चुकी है और हम जाने लगे हैं। गाड़ी है बहन, तू झूठ बोलने का नतीजा है। ब्लॉग के चक्कर में चश्मा चला गया। नहीं, ये होता है झूठ। मेरी आंखें। बाय बाय आम्रपाली। तो गाइस, हमारी बस जल्दी स्टार्ट हो चुकी है अभी, और फिलहाल हम पहुंच गए लामा चौक पे। और आप देख सकते हो बस में खड़ी है, तो बालों में अपनी लहराते हुए चलने को देख रही होगी। थोड़ा बहुत हम अच्छे दिखते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं लाल बस पे। बहुत भीड़ लगी हुई है, तो अभी वेट करते हैं अपना नंबर आने का। ये लोग जाएंगे भाग रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे खड़े हैं। जब बाजू वाले निकलेंगे फिर हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पर चलिए आप पुस्तक प्रदर्शनी। तो गाइस, अभी हम लोग की यहाँ पे फोटो खींची जा रही है, तो अभी हम सब लोग फोटो के लिए यहाँ पे खड़े हो गए। तो पहले फोटो शूट होगा, देन हम लोग जाएंगे अंदर पुस्तक प्रदर्शनी। हम लोगों ने एंटर कर लिया अंदर, और यहाँ पे काफी स्कूल के भी बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे भी बच्चे आए हुए हैं और बड़े भी, क्योंकि पुस्तक प्रदर्शनी चल रही है। तो बुक्स के बारे में जानकारी देंगे हमें, तो आपको भी देंगे हम अभी।
बुक्स लगी हुई है पहले। खींच गई खींच, इतनी अच्छी स्मेल कर रहा हूं देखते हुए। गाइस यहां पे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे भी आए हुए हैं अलग अलग स्कूलों से। वाओ बच्चों की दुनिया, अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट तो 6:30 से करेंगे। नहीं आप 6:30 का मतलब 7 बजे तक आ जाइए, ठीक है? तो हम 7:30 स्टार्ट। क्या यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको बुक्स को कितने अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बहुत मौके देते हैं। इसने बड़ों को जितना ज़्यादा ये पता होगा, इसने आने वाले समय में जो बस्ते का बोझ कम करने की थ्योरी है वो यही है, वो इसी के रास्ते होगा जितना हमें इसको पता होगा। ये बच्चों आप कौन से स्कूल से हो? कौन से? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। कहाँ? मुखानी। आपका नाम क्या है? पूजा। वेरी गुड। कौन सा प्रियांशु? मेरा नाम दामनी। दामनी, वेरी गुड, नाइस नेम, सबके बहुत सुंदर नाम है। कौन सी क्लास में हो आप लोग? सारे फिफ्थ में हो। अभी क्या कर रहे हो? हाँ ब्लॉग्स बना रहा हूँ। और यहाँ पे और भी बच्चे आ गए, और जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है वो बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हो तुम लोग? सब अभी यहाँ पे पजल बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि सर कितने सिंपल वे में बच्चों को यहाँ पे पजल बनाना सिखा रहे हैं। वो जो मैंने कंडीशन दी थी, ठीक है उसका ध्यान। खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे सर मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ की बनाने के लिए। सर आप बताइए, देन फिर मैं उसके बाद सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। आपके पास ये स्ट्रक्चर है ना? हाँ। स्ट्रक्चर सेम आपने ऐसे ही बनाना है। हाँ। ठीक है, अभी रेड रखोगे तो रेड छोटा है, छोटे के ऊपर जब ब्लैक नहीं आएगा, बड़ा नहीं आएगा। ओके। बड़े के ऊपर छोटा ही आएगा। आप इसको कितनी बार इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपने यही बनाना है जो यहाँ पे सेम है, जिस स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ। सेम स्ट्रक्चर आपने बनाना। ओके ट्राई कीजिए। आप करो। रुको मैं ट्राई। नहीं ये मैम छोटा है ना, छोटे को बड़ा नहीं आता ना, मतलब आपका अकाउंट होगी जगह, मतलब कि अकाउंट होगा कितने चांस है। अच्छा ये ऐसा नहीं, इसको आपने रेड के ऊपर नहीं, ये भी नहीं। आप इसको पीछे बैक ला सकते हो, आगे ला सकते हो, ठीक। दो एक साथ नहीं, रुको इसको इस तरह, एक एक इसको इससे नहीं। हाँ और रेड के ऊपर रेड नहीं आएगा, ये छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आएगा। मैं कर रही हूँ, फाइनल होना चाहिए ना। प्रोसेस में ही, प्रोसेस में ही। दो जी हाँ, वापस भी कर सकते हैं, फिर ले जा सकते हैं, फिर वापस कर सकते हैं। हाँ वापस ले जा सकते हो, वापस ले जा सकते हो। सब निकाल दो, सबको पहले एक में निकाल दूँ। नहीं ऐसा नहीं है, सुनो जैसे अभी अभी आपका जी ये बड़ा नहीं आएगा जी, ये नहीं तो वापस भी कर सकते। हाँ वापस कर सकते हैं, निकाल दो फिर उसको, फिर से उसमें डालिए। हाँ वापस कर सकते हो। हाँ ऐसे वापस कर सकते हैं, वापस। तो गाइस हमसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है इसको, यहाँ इसको इधर। हाँ 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 पिंक रेड पिंक इसको इधर और इसे आखिरी वाले को। ये तो गाइस फाइनली हम कर रहे हैं सिंपल वाला, हमने सॉल्व कर लिया। बजाय हमारा थोड़ा सा टर्म वाला है, इसको ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं, क्योंकि 100 पजल सॉल्व हो चुका है, दूसरा नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं,
तो अब चलते हैं हम, यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है, तो थोड़ी सा भूख जैसी लग रही है तो कुछ खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे चाय पकौड़े का इंतजाम हो रहा है, ये तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पकौड़े लेने के लिए क्योंकि भूख भी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो खाना यार ऐसे बहुत टाइम लगे, ये देखो आराम से हाथ से उठा के डालते हैं ना, हम भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। चाय इधर भावना मैम प्लीज हाँ चलेगा, अरे बाहर को खींचो, बाहर को वाला तो नहीं है। हाँ गरम गरम बस 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 बस। तो गाइज अभी हम लोग ने चाय ले ली और पकौड़ी आ गई, अब इसको इंजॉय करते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पे चाय पकौड़ी लेके आ गए और अब हम इसे करते हैं इंजॉय। और ये खदूड़ों ने खा लिया एक प्लेट, लेकिन ये और खाने के लिए आ रहे हैं। अभी कितना खाते हो कितना खाते हो यार, मेरे को ही पकौड़ी खानी नहीं है पता है, नॉर्मल रहने दे यार, भूख भी लग रही है तो गाइस फिर वैसे खाना नहीं है, बट मुझे भूख लग रही है तो मैं खा लेती हूँ। और हम लोग खा रहे हैं, कोई नहीं साथ में चाय कर जाके दवाई खा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगा रखे हैं, अभी मैं इस चीज इसका रेट पूछ रही हूँ कि इसका रेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसका रेट पूछा और इसका रेट बताया उन्होंने 10,000। भाई मेरे बजट से तो बहुत बाहर था, तो मैंने इसको लेना क्या किया। तो गाइस हमारा यहाँ पे जो एग्जीबिशन था वो हो चुका है कंप्लीट, और अब हम दोबारा जा रहे हैं कॉलेज को। क्या बोलो आपको देख के मेरी बोलती बंद हो गई, मैं कह रहा हूँ क्या करें, फोटो खींच रही, मैं तो वहाँ पहुँच दे रहा हूँ। नहीं नहीं फोटो नहीं खींच रही थी। फाइनली सेमिनार हो चुका है खत्म और अब हम चले वापस कॉलेज को, और कॉलेज से जाएंगे सीधे घर को। गुंजन कैसे लगा तुम्हें? ठीक ही लगा यार, मैं तेरे सामने भी काली लग रही हूँ। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, ठीक था। चलते अब घर को और ये ब्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।